पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर मदा के हाथ से उसका मोबाइल फोन नीचे फेंकने पर दो मैचों की पाबंदी आयद कर दी गई। रवां साल अप्रैल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए रोनाल्डो ने इंग्लिश क्लब एवर्टन के हाथों शिकस्त के बाद मैदान से ड्रेसिंग रूम जाते हुए तमाशाइयों में मौजूद वीडियो बनाने वाले एक मुदा के फ़ोन पर गुस्से से हाथ मारकर मोबाइल नीचे फेंक दिया था। बाद हजार रोनाल्डो ने फैन के साथ किए अपने अमल पर इंस्टाग्राम पर माफ़ी मांगी थी। ताहम इस वाक़े की तहकीकात जारी थी जो अब मुकम्मल हुई, जिसके बाद फुटबॉल एसोसिएशन ने रोनाल्डो पर दो डोमेस्टिक मैचेस की पाबंदी के साथ 50,000 पाउंड्स का जुर्माना भी आयद कर दिया। फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक रोनाल्डो पर दो मैचेस की पाबंदी डोमेस्टिक सतह पर होने वाले क्लब मैचेस के लिए है, इंटरनेशनल मैचेस पर उनकी ये पाबंदी असरअंदाज नहीं होगी और वो वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की नुमाइंदगी कर सकते हैं। बीबीसी के मुताबिक ये फैसला गुज़िश्ता दिनों दिए गए एक मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद सामने आया, जिसमें रोनाल्डो ने क्लब पर तनकीद की थी और कहा था कि मेरे दिल में मैनेजर के लिए कोई इज्जत नहीं।